गोल्डन एक्स रेस्टोरेशन। गांधारी नगर के गांव में गंगाधर कहकर एक लकड़ियों को काटकर बेचने वाला रहता था। वो एक बार लकड़ियों को काटने के लिए जंगल में गया और एक पेड़ को मारने वाला ही था, इतने में उनका कुल्हाड़ी फिसलकर बगल वाले नहर में गिर गया था। आयो, मेरे कुल्हाड़ी नहर में गिर गया, अब मैं क्या करूं? बिना कुल्हाड़ी से कैसे जीना है भगवान, कैसे लकड़ियों को काटना है, कैसे उनको बेचना है, कहकर रोने लगा। लेकिन नहर से कोई प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बहुत रोने के बाद गंगाराम, ये क्या, कुल्हाड़ी फिसल कर नहर में गिर गया, तो नहर में से कोई देवता प्रत्यक्ष होना है ना, फिर भी कोई नहीं प्रत्यक्ष हुआ। मैंने कुछ पाप किया होगा इसलिए कोई देवता प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अब क्या करना है, मैं खुद नहर में उतर कर ढूंढता हूँ, कहकर नहर में कूद कर कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। ऐसे ढूंढते ढूंढते उनको एक जंग लगा हुआ पुराना कुल्हाड़ी मिला। उसे देखकर, अयो ये क्या है, नया कुल्हाड़ी को मैंने खो दिया तो मुझे ये जंग लगा हुआ खराब हो गया पुराना कुल्हाड़ी मिला, इसके साथ मुझे लकड़ी कैसे काटना है और इसको कैसे तेज करना है भगवान, कहकर उस पुराने कुल्हाड़ी को एक पत्थर पर रगड़ कर देखा तो उसमें कोई बदलाव नहीं आई, ऐसे ही पुराने जैसे ही था। उसको लेकर गांव वापस आया। खाली हाथ हिलाते हुए वापस आए गंगाराम को देखकर उनकी पत्नी, क्यों जी, लकड़ियाँ कहाँ हैं? ऐसे खाली हाथ वापस आए हो? लकड़ियों को नहीं लाए तो पैसा कैसे मिलेगा, घर कैसे चलेगा? तुम तो आजकल बहुत शौकीन बन रहे हो और आलसी भी बन रहे हो। ऐसे है तो मैं और मेरे बच्चे कुछ और रास्ता देख लेते हैं। तो गंगाराम जो हुआ उन्हें बताया और उनको जो मिला वो पुराना जंग लगा हुआ कुल्हाड़ी को दिखाया। उसे देखकर पत्नी बहुत गुस्सा होकर, क्या तुमने सोने जैसा कुल्हाड़ी को भी खो दिया है? कल से इस बेकार कुल्हाड़ी से क्या करना चाहते हो? लकड़ियों को कैसे काटोगे और हमारे पालन कैसे करोगे? दरिंदर के औलाद, नीच, कमीने, कुत्ते, निकम्मे। ऐसे गंगाराम को एक बार दिया हुआ गाली को रिपीट नहीं करते हुए बहुत गालियाँ देने लगी। देखो सनली, इतने सारे गाली मत देना, अब तक सारे लोग मैं अपनी पत्नी से डरता हूँ कहकर मेरे मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम थोड़े देर के लिए तुम्हारे मुंह को बंद कर दिया तो मैं चाकू को तेज करने वाले के पास जाकर इस कुल्हाड़ी को तेज करवा कर आता हूँ, ऐसे कहने लगा था। तो इतने में छोटू कहकर एक चाकू को तेज करने वाला, पुराने चाकुओं को तेज करता हूँ, जंग लगा हुआ चाकू को भी तेज करता हूँ, पुकारते हुए उनके घर के सामने से जा रहा था। तब गंगाराम भागते हुए उनके पास जाकर उनको रोक कर, छोटू छोटू इधर आओ, ये देखो मेरा कुल्हाड़ी बहुत पुराना हो गया है, जरा इसको तेज करके देना। तब छोटू उस कुल्हाड़ी को देखकर, क्यों भाई गंगाराम, ये कौन सा जमाने का कुल्हाड़ी है, देखने में ये तो तुम्हारे परदादाओं का लग रहा है, खोदने से मिला है क्या? अब इसको तेज किया तो मेरा ये पत्थर पूरा छोटा हो जाएगा, इसको तेज करने के लिए 50 रुपए लगते हैं, देते हो? छोटू भाई अब मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम इसको तेज करके दिया तो कल मैं जंगल में जाकर लकड़ी को काट कर उन्हें बेच कर पहले तुम्हें ही पैसा देता हूँ। ठीक है सुबह सुबह कैसे बोनी मिला, अभी दोगे तो 50 रुपए में करके देता हूँ, कल बोले तो 100 रुपए लगेंगे, अगर राजी है तो तेज करता हूँ, नहीं तो तुम्हारे मर्जी, मैं तो चला। तब गंगाराम को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है। ठीक है छोटू भाई ऐसे ही करते हैं, पहले तुम तेज करो। तब छोटू उस कुल्हाड़ी को तेज करने लगा तो उनके ऊपर जंग निकलकर वो एक सोने के कुल्हाड़ी जैसा चमकने लगा। वो और तेज करने लगा तो उसमें से सोने के सिक्के बरसने लगे। उसे देखकर हैरान होकर छोटू, अरे बाप रे ये क्या, मुझे मेरे आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा है, ये क्या देख रहा हूँ मैं, गंगाराम ये तो साधारण कुल्हाड़ी नहीं है, सोने की कुल्हाड़ी लग रहा है, इसे और तेज करने से इसमें से सोने के सिक्के बरस रहे हैं स्वामी। तब गंगाराम नीचे गिरे हुए सिक्कों को इकट्ठा किया और उसे देकर, देखो छोटू ये बात हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, इस राज को किसी को भी मत बताना, ये लो तुमने जो पूछा 100 रुपए से भी बहुत मूल्य सोने के सिक्के, ये सब ले लो, लेकिन ये बात हमारे बीच में ही रहना चाहिए, कहकर उसे बेच दिया। बाकी सोने के सिक्कों को इकट्ठा करके घर के अंदर जाकर उनकी पत्नी को दिखाया। उन सोने से उनका पुराना घर को निकालकर एक नया बड़ा सा घर बनाकर उसमें बदल गया। इतना जल्दी धनवान कैसे बन गया है कहकर गांव में लोग चर्चा करने लगे। उनमें से मुन्ना कहकर एक आदमी, अरे ये गंगाराम तो पहले बहुत गरीब था, इतना कम समय में इतना बड़ा मकान कैसे बनाया, इतने पैसे कहाँ से आए हैं, इसको दाल में कुछ काला है, उसके पास कुछ जादू है। वो बात खाली छोटू को ही पता होगा क्योंकि छोटू को छोड़कर और किसी को घर में नहीं आने देता है गंगाराम, ये छोटू तो कुछ बोलते ही नहीं, कभी कभी उनके घर में जाता है और थैलियों में कुछ तो भर के लेके आता है, और वो भी घर बना लिया और एक कार भी खरीद लिया। इतने में छोटू उनके कार में चाकू को तेज करने वाला एक मशीन को लगा कर जा रहा था। उनको रोककर मुन्ना,
क्यों रे छोटू, पहले तो एक साइकिल के ऊपर व्यापार कर रहा था, अब क्या ये कार के ऊपर करने लगा। तुम्हारे स्थिति तो बहुत अच्छा है, नया घर नया कार, वाह छोटू जी वाह, इतना कम समय में कैसे मुमकिन हुआ है साहब। वो तो एक चिदंबर का राज है मुन्ना, किसी को भी नहीं बोल सकता हूँ। तो मुन्ना छोटू को पकड़कर चार लाफा मारा और वो राज बोलते हो या तुमको और लगा दूं कहकर धमकी दिया। भैया मुझे मत मारो भैया, वो क्या है कि गंगाराम को एक सोने के कुल्हाड़ी मिला, उसे तेज करने से उसमें सोने के सिक्के गिरते हैं, बस यही है हम दोनों को धनवान बनने का राज, मुझे छोड़ दो भैया। अरे हम जैसे कुछ करके उस गंगाराम के पास वो सोने के कुल्हाड़ी को छीनना है तो हम भी उनकी तरह तुरंत धनवान बनकर घर बना सकते हैं और कार भी खरीद सकते हैं। कहकर उस रात को उनके घर में चोरी से घुसकर पूजा के कमरे में से उस सोने के कुल्हाड़ी को हाथ में लिया तो वो एक सांप जैसा बदल गया। तब मुन्ना डर के मारे बाप रे सांप चिल्लाकर उसे उधर फेंक कर भाग गया। गंगाराम तो कभी कभी उस कुल्हाड़ी को तेज करके उसमें से सोने के सिक्कों को निकालकर गांव के लिए अच्छा काम करते हुए जिंदगी गुजारने लगा। मधुरा नगर में मल्होत्रा नाम का एक कुम्हारा रहता था। उनका तैयार किए गए मटके बहुत गुणवत्ता से रहने से आजू बाजू गांव में वो अच्छा नाम कमाया था। उनको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आते थे, उन ऑर्डर को डिलीवरी करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता था। उनके घर के सामने शिंडे कहकर और एक कुम्हारा रहता था, लेकिन उनको कोई ऑर्डर नहीं आते थे। एक दिन मल्होत्रा से शिंडे, क्यों भाई मल्होत्रा, तुम और मैं ये मटके बनाना एक ही गांव में सीखे थे और दोनों तो एक ही तरह बनाते हैं, लेकिन मुझे तो कोई ऑर्डर आते ही नहीं, तुमको तो सांस भी नहीं ले पा रहे हो ऐसे ऑर्डर्स आते हैं, इसमें क्या चाल है, अगर मुझे भी सिखाया तो मैं भी थोड़ा पालन करता हूँ। चाल वाल ऐसा कुछ भी नहीं है शिंडे, मैं तो बस मन लगाकर काम करता हूँ, मेरे घर में चाहिए तो कैसे बनाते हैं ऐसे बनाता हूँ, इसलिए मेरे मटके गुणवत्ता रहते हैं, तुम तो बाहर वालों के लिए बहुत लापरवाही से बनाते हो, यही हम दोनों के बीच का छोटा सा फर्क है, ऐसा उनके मुंह पर बोला तो शिंडे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अंदर सब गुस्सा छुपाकर बाहर नाटक करते हुए, हाँ सच में मल्होत्रा तुम सच कहा, मैं अपने आप को सुधारता हूँ कहकर बाहर आकर, ये मल्होत्रा तो गुणवत्ता रहना है, घर और बाहर का फर्क कहकर बक रहा है, जब तक ये गुणवत्ता के बच्चे मेरे सामने रहता है मुझे तो कोई ऑर्डर्स नहीं आएंगे, पहले इसको इधर से हटाना होगा, हाँ उनका कुम्हारा का चाक को तोड़ना होगा, बस तब वो कैसे मटके तैयार करता है मैं भी देखता हूँ, सोचा। उस आधी रात को शिंदे मल्होत्रा के घर में घुसकर उनका कुम्हार का चाक को तोड़कर उधर से भाग गया। सुबह उठकर मल्होत्रा ने देखा तो वो चाक तोड़कर दिखाई दिया और वो बहुत दुखी हो गया। अरे अरे मेरा ये चाक कैसे टूट गया है, अब ये नहीं है तो मैं मटके कैसे तैयार करूंगा और ऑर्डर्स को कैसे डिलीवरी करूंगा, अरे बाप रे आज तो बड़ा डिलीवरी देता हूँ कहकर मैंने वचन भी दिया, हे भगवान अब इस मुसीबत से बाहर कैसे आना है, कहकर भगवान को याचना किया। तब भगवान प्रत्यक्ष होकर उनको एक मैजिकल पॉटरी व्हील को दिया और मल्होत्रा से, मल्होत्रा ये एक जादुई पॉटरी व्हील है, इसके ऊपर तुम मिट्टी को रखकर मन में तुमको क्या चाहिए वो सोचो तो वैसे ही आकार में बन जाएगा, तुमको हाथ रखने के भी जरूरी नहीं होगी, मन लगाकर सोचो बस तुम्हारा काम हो जाएगा, कहकर गायब हो गया। तब मल्होत्रा भगवान को प्रणाम किया और वो मैजिकल पॉटरी व्हील पर मिट्टी डालकर, भगवान मुझे मिट्टी का फ्रिज चाहिए, भगवान मुझे मिट्टी का कुकर चाहिए, भगवान मुझे मिट्टी का प्लेट चाहिए, भगवान मुझे कटलरी चाहिए, कहकर मन में पूछा। तो उस मिट्टी से जो भी मुमकिन नहीं था वैसे चीज तैयार होकर उनके सामने दिखाई दिए। तब मल्होत्रा उनको नेचुरल होम प्रोडक्ट्स के नाम रखकर बेचने लगा, तब उनका नाम और बढ़ने लगा और कस्टमर्स भी ज्यादा आने लगे, पैसे भी अच्छा कमाने लगा। वो देखकर शिंडे को जलन होने लगी और, ये क्या है इस मल्होत्रा का नसीब, पुराना पॉटरी व्हील को तोड़ दिया और उनका नया पॉटरी व्हील लाने को बहुत वक्त लगेगा सोचा, तो ये एक ही दिन में इसे कैसे लाया और उनके ऊपर कई तरीके के चीज कैसे बना रहा है, कुछ तो जादू है वो मुझे जानना होगा, सोचकर उनके घर के खिड़की से चुपके से देखने लगा। तब मल्होत्रा मिट्टी को उस पॉटरी व्हील के ऊपर रखकर हाथ फैलाकर मन में सोचा तो बहुत अद्भुत चीज तैयार होकर निकल गई।
ये देखकर मुंह लटका कर शिंदे, अरे बाप रे, ये इसका टैलेंट नहीं है, ये तो मैजिकल पॉटरी व्हील का टैलेंट है। ये इसके पास रहने तक इसको तो कोई नहीं हरा पाएगा, इसको भी नाश करना होगा, कहकर चुप कर देखने लगा। बहुत देर तक काम करने के बाद मल्होत्रा, आज के लिए ये काफी है, कहकर उधर से चला गया। बस शिंदे तुरंत अंदर आकर उस मैजिकल पॉटरी व्हील पर चढ़कर, अरे वो मैजिकल पॉटरी व्हील, मैं तुमको अपने पैरों से दबा दबा कर नाश करता हूँ, कहकर उनके ऊपर चढ़कर पैर से दबाया, लेकिन वो नहीं टूटा। शिंदे तो एक मिट्टी के रूप में बदल गया और उसके ऊपर घूम कर रुका। कुछ देर के बाद मल्होत्रा उधर आया और शिंदे की मिट्टी की पुतले को बाजू में रखा। मैं मल्होत्रा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है, बात करने के लिए भी नहीं हो रहा है, मुझे माफ करो, कुछ तो करके मुझे इस मिट्टी के पुतले से मुक्ति दिलाओ, कहकर निवेदन किया। तब मल्होत्रा मैजिकल पॉटरी व्हील को प्रणाम करके, मैजिकल पॉटरी व्हील, ये गलत किया कहकर मान लिया, इसको फिर से साधारण आदमी बनाओ। तब वो शिंदे फिर से साधारण बन गया, तुरंत मल्होत्रा के पैर पर गिरकर, भाई मल्होत्रा, मैं तुम्हारे पास काम करता हूँ, मुझे काम पर रखो भाई, तो मल्होत्रा शिंदे को काम पर रखा। तब से लेकर शिंदे बहुत मन लगाकर मल्होत्रा के पास काम किया और पॉटरी बनाने में मशहूर हो गया।